फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, विनीशा मैम अपना कर रही हैं वर्क, और विनीशा मैम की कलम सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। ये विनीशा मैम का लैब का पार्ट जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए है, और ये सिंक है। यहाँ पे इनके इनमें सैंपल आते हैं जो कि फिर वो अपनी टेस्टिंग करती हैं, और ये इन सब चीज़ों से टेस्टिंग करती हैं। मुझे तो इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं। विनीशा मैम, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्या कॉनिकल ग्लास? अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं? इसको पैट्री प्लेट्स। पैट्री प्लेट्स? हाँ। अच्छा, जल ही जीवन है। और ये है, ये क्या है, ये चीज़ क्या है? यहाँ से ये अपना चेक करती हैं। कि कोई वो तो नहीं है? हाँ, बैक्टीरिया वगैरह चेक करते हैं इससे। और ये रहा एक रेफ्रिजरेटर, इस पर अपना सैंपल रख देती हैं, जो कि कुछ सैंपल रखे हुए हैं अभी, इनकी होनी है टेस्टिंग। और ये भी एक रेफ्रिजरेटर है, ये भी बढ़िया सा है, एकदम स्ट्रॉन्ग सा है। ये इनके सैंपल आए हुए हैं, तो सैंपल रखे हैं अभी विनीशा मैम के। ये टेस्ट हो गए हैं कि होना है? ये जो सैंपल रखे हैं इसमें सैंपल टेस्ट हो चुका। अच्छा, ये भी इनका टेस्टिंग का एक इक्विपमेंट है। और अब देखिए विनीशा मैम का पेन, जो कि उनकी ड्रेस से मैच कर रहा है। विनीशा मैम ने आज नेल पेंट, जो थोड़ी थोड़ी सी निकलती जा रही है लेकिन बची हुई है अभी, नेल पेंट, उनकी कलम, चूड़ी तो पहनते ही है मैचिंग की, मगर वो सडनली मैच कर गई। अभी मैम का काम चल रहा है और मोस्टली होने ही वाला है। अभी इन्होंने खाना तो खाया नहीं है। विनीशा मैम का ये पेन बॉक्स है। अभी बाकी इनका भी और बनना पेंडिंग है, बन जाएगा फिर और भी अच्छा लगेगा विनीशा मैम के लैब में। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं विनीशा मैम के पेन और पेंसिल। मैं भी अपने बचपन की एक बात याद करके हंसी आ रही है। जब हम छोटे थे तो मम्मी इतनी पूरी इरेजर नहीं देती थी, कहती थी आधी तोड़ के देती थी कि पूरी खर्च ना कर दे, और अगर खर्च ना भी हो तो कोई फ्रेंड चुरा ना ले क्लासमेट, क्योंकि बचपन में बड़ी जल्दी से चोरी हो जाती थी, किसी की नई पेंसिल पेन जल्दी से लोग चुरा लेते थे, इसलिए मम्मी आधी देती थी। उन्हीं समय में भी अपना ये थोड़ी सी अपने हिसाब से इंतजाम करके फिर इसको यूज़ कर रहे हैं। आप कुछ बोलोगे? ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी। आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।